हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 6 का मैथ्स हम करेंगे। स्टूडेंट्स, चैप्टर है आपका फ्रैक्शंस। तो फ्रैक्शंस को कंटिन्यू करने से पहले हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमने प्रीवियस सेशन में क्या कवर किया था। तो बच्चों, हम कर रहे थे क्वेश्चंस इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बेस पे। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ये सब बच्चों को पता होना चाहिए कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है। और हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे बच्चों सरलतम रूप निकालने के लिए, ठीक है? तो आपको क्या करना था, उनको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना था, ठीक है? अब देखिए, सबसे पहले इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं ये लिख लीजिए आप, तुल्य भिन्न। ये जस्ट रिवाइज कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है? तो इसको बोलते हैं हम तुल्य भिन्न। अब तुल्य भिन्न की बात हो रही है तो इसके आधार पे मैं एक क्वेश्चन आपको दूंगा, ठीक है? तो क्वेश्चन करेंगे सभी बच्चे, फाइंड 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ, फाइंड 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5। 3/5 के 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, 5 तुल्य भिन्न आपको। तो ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, जस्ट एक आपको थोड़ा रिकॉल हो जाए इसीलिए ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया है। जल्दी से इसको सॉल्व करेंगे सभी बच्चों और बताएंगे क्या आंसर आता है इसका। बच्चे, जो भी आपका आंसर आता है, जिस भी बच्चे का आंसर आएगा, हैंड रेज करके अपने आंसर बताएंगे स्टूडेंट्स, ठीक है? अपना हैंड रेज कर देंगे जैसे ही आपका सॉल्व हो जाएगा। ये यहां पे देखिए कैसे आपको सॉल्व करना है। अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो 3/5 है, इसकी तुल्य भिन्न निकालेंगे, ठीक है? तुल्य भिन्न निकालेंगे तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी अंश और हर को आप किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कर दे, बट दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो जो ये मल्टीप्लीकेशन करके आंसर आएगा 3 × 6, 5 × 10, ये एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा। तो ये एक तुल्य भिन्न आ गई, ऐसे ही आपको 5 तुल्य भिन्न निकालनी है। तो इसी तरह से आप सॉल्व करिए और बताइए बाकी 4 तुल्य भिन्न क्या क्या हो सकती हैं। जल्दी से इसका आंसर बताइए स्टूडेंट्स, हैंड रेज करेंगे जैसे ही आपका आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट्स, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बहुत सारे क्वेश्चन हम इस पर कर चुके हैं। कोई अगर चीज समझ में नहीं आती है तो वो भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है? जल्दी से इसका आंसर बताना था आपको, लेकिन किसी कारण आप नहीं बता पाए। कोई बात नहीं, हम इसको साथ में सॉल्व करते हैं। अब देखिए 3/5 का दूसरा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालेंगे तो हम इसको 3/3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 3 × 3 = 9, 5 × 3 = 15। फिर एक और हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालेंगे 3/5 × 4/4 करेंगे अब, तो 4 × 3 = 12/20। 3/5 × 5/5 ये हो जाएगा 15/25। फिर 3/5 × 6/6, तो ये सब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गए इसके। और देखेंगे 6/10, 9/15, 12/20, 15/25 एंड 18/30 सभी तुल्य भिन्न हैं, किसकी? 3/5 की। अब अगर इनको सरलतम रूप में हम निकालेंगे तो सभी क्या होंगी? 3/5 आ जाएंगी। देखिए, अगर 18/30 का सरलतम रूप निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 से इसको डिवाइड किया ये 9 आ गया एंड ये 15 आ गया, फिर 3 से किया तो 3 × 3 = 9, 3 × 5 = 15, 3/5 आ गया वापस से। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का
क्या पॉइंट है कि भाई उनको अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में निकाल लेंगे, सरलतम रूप में निकालेंगे, तो वापस से हमारे पास वही फ्रैक्शन आ जाएगा जिससे हम वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल रहे थे। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स, नोट डाउन करेंगे सभी बच्चे। कहीं पे कोई उनको डाउट लगता है, आपको कुछ पूछना आप चाहते हैं, तो हैंड रेज करके पूछ सकते हैं अपना क्वेश्चन। जल्दी से नोट डाउन कीजिए, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। तो स्टूडेंट सबने नोट डाउन कर लिया है? अगर आप सबने नोट डाउन कर लिया है तो हैंड रेज करें बच्चों। जय सी कोट कंडारा, बेटा आपने नोट डाउन कर लिया तो अपना हैंड रेज करें सीट पे बैठे बैठे। चलिए ठीक है, शाबाश, हाथ नीचे कर लीजिए बेटा। वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। अब देखिए हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। कहीं पे किसी को कोई डाउट लगता, कोई चीज नहीं समझ में आती है तो पूछ लीजिए, क्योंकि उसी के आधार पे आने वाले आपके क्वेश्चंस होंगे। तो अगर आपने ये नाम सुना हो तो बताइए मुझे होता क्या है ये। लाइक फ्रैक्शन, हिंदी में इसको बोलते हैं समान भिन्न। मीनवाइल जीआईसी कोट कंडारा, बेटा किसी को भी पता है आंसर तो बताइए। लाइक फ्रैक्शन क्या होता है? किसी ने अगर ये वर्ड सुना है तो बताइए क्या क्या पता है आपको इसके बारे में। देखिए फ्रैक्शन तो सबने सुना होगा क्योंकि यही चैप्टर चल रहा है, चैप्टर का नाम ही फ्रैक्शन है, भिन्न है, ठीक है। लेकिन लाइक फ्रैक्शन क्या हो गया, इससे ये तो पता लग रहा होगा कि कोई एक टाइप की भिन्न है, ये किसी प्रकार की भिन्न है। कौन सी भिन्न है, कौन सी फ्रैक्शन है, ये आपको बताना है। क्या कोई बता सकता है बच्चा कौन सी फ्रैक्शन है, क्या होती है लाइक फ्रैक्शन? चलिए डिस्कस करते हैं अब। जो लाइक फ्रैक्शन होती है स्टूडेंट्स, जिस तरह से ये क्या हो गई, ये लाइक फ्रैक्शन होगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो डिनोमिनेटर हैं, डिनोमिनेटर सेम होते हैं, इनके समान होते हैं डिनोमिनेटर। देख सकते हैं 1/15, 2/15, 3/15, इनके डिनोमिनेटर सेम है तो ये लाइक फ्रैक्शन है। जैसे अगर मैं लिखूं 1/2, 3/2, 5/2, ये सब क्या है, लाइक फ्रैक्शन है, क्योंकि इनके डिनोमिनेटर सेम है स्टूडेंट्स। लेकिन अगर मैं बात करूं जिनके डिनोमिनेटर अलग हैं, उनको मैं क्या बोलूंगा, उनको हम क्या बोल सकते हैं, तो उसके लिए वर्ड आता है अनलाइक, अनलाइक फ्रैक्शन। जिनके डिनोमिनेटर अलग अलग हों, भिन्न भिन्न हों, उनको हम असमान भिन्न बोलते हैं। 1/2, 3/4, 5/7, 9/7, ये सब, ये क्या है, इसको मैं लिख देता हूं, ये क्या है, असमान भिन्न है, अनलाइक फ्रैक्शंस हैं, क्योंकि इन सब के डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं। देख सकते हैं आप। तो समान भिन्न और असमान भिन्न में क्या डिफरेंस है, बहुत ही इजी है पता लगाना। तो इसको नोट डाउन कीजिए स्टूडेंट्स। ये हो जाता है लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन टॉपिक, जिसके आधार पे अब बहुत सारे क्वेश्चंस आप करने वाले हैं, इसीलिए ये आना बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स। तो इसको नोट डाउन कीजिए। तो स्टूडेंट्स ये क्लियर है? अब यहां पे आप क्या करेंगे, हम डिस्कस करते हैं लाइक फ्रैक्शंस को डिटेल में, ठीक है। लाइक फ्रैक्शंस को डिटेल में डिस्कस करते हैं। व्हाट आर दीज लाइक फ्रैक्शंस हैं, तो हम इसको कुछ इस तरह से समझने की कोशिश करते हैं। तो ये दोनों सेम है, ठीक है, ये दोनों फिगर सेम है। अब यहां पे मैं सब में
इनके इक्वल पार्ट्स कर देता हूँ, इक्वल हिस्से कर देता हूँ इनके, इनके पांच पांच पार्ट्स होने हैं स्टूडेंट्स, तो दोनों के पांच पांच पार्ट्स हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम यहाँ पे इनको कर सकते हैं शेड, ठीक है। तो इसको मैं दो बटे पांच के लिए अगर शेड करूंगा तो पांच में से सिर्फ दो हिस्से ही मैं शेड करूंगा, क्लियर है। और यहां पे पांच में से मैं तीन हिस्से शेड करूंगा, क्यों, क्योंकि ये हो गया तीन बटे पांच और ये हो गया दो बटे पांच। अब मेरा सवाल आपसे सिर्फ इतना सा है कि इन दोनों में से दो बटे पांच और तीन बटे पांच में से कौन सी अनलाइक भिन्न, तो आपको पता है कि ये क्या है, लाइक भिन्न है, ये समान भिन्न है, तो इन समान भिन्न में से कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी छोटी है, सिर्फ ये आपको बताना है। इस डायग्राम को देख के बताइए और फिर इन दोनों को देखिए और बताइए मुझे कौन सी भिन्न बड़ी है, दो बटे पांच या फिर तीन बटे पांच। तो स्टूडेंट्स देखिए, अब तक अगर आपने इसको सॉल्व किया है तो एक चीज आपको क्लियर है, यहां से देख के आपको क्या पता लग रहा है कि भाई यहां पे पांच में से सिर्फ दो बॉक्स फुल हैं और यहां पे पांच में से तीन बॉक्स फुल हैं, तो कौन सी भिन्न बड़ी होनी चाहिए, भाई ये बड़ी होनी चाहिए क्योंकि इसके पास तीन बॉक्स हैं। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं दो बटे पांच क्या है, छोटा है तीन बटे पांच से, क्लियर है। या फिर आप एक चीज और देख सकते हैं, हर बार ये आपको डायग्राम नहीं बनाना, तो आप यहां पे देखें कि डिनोमिनेटर तो सेम रहेगा, अगर डिनोमिनेटर या फिर हर, इसको हिंदी में बोलते हैं, अगर हर हमारा सेम है तो न्यूमरेटर चेक करेंगे, अंश हम चेक कर लेंगे, अंश क्या है दो है और तीन है, इनमें देखेंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है, जो संख्या बड़ी होगी वही भिन्न बड़ी हो जाएगी स्टूडेंट्स। बस इतना सा आपको काम करना है और आपके क्वेश्चंस इजीली सॉल्व होने लग जाएंगे। यहाँ पे बस आपको क्या करना है, पहले डिनोमिनेटर चेक करना है, अगर डिनोमिनेटर समान है तो न्यूमरेटर यानी अंश को चेक करेंगे और उन संख्याओं में से जो संख्या बड़ी होगी वही भिन्न बड़ी हो जाएगी, इसमें ज्यादा कुछ करना ही नहीं है आपको, इजी है। अब आती है बात अनलाइक फ्रैक्शंस की, असमान भिन्न की। तो यहाँ पे देखिए जो अनलाइक फ्रैक्शंस हैं, अगर हमें उनकी तुलना करनी हो तो कैसे करेंगे, ये यहाँ पे सवाल है स्टूडेंट्स। तो देखिए एक बटे दो एंड तीन बटे चार, ये दो भिन्न है, इनकी हमें तुलना करनी है, इनमें से कौन सी बड़ा है ऐसे हमें नहीं पता लग पाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों के जो भिन्न हैं, दोनों के जो डिनोमिनेटर हैं, उनको हम समान बना लेंगे। तो इक्वल बनाने के लिए इसको हम दो से मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। अब ये हो गया दो बटे चार, ये हो गया तीन बटे चार, इसमें से आपको बताना है कि कौन सी भिन्न बड़ी है। तो यहाँ पे देखिए जो मैंने आपको फंडा बताया वो अप्लाई कीजिए। अब ये लाइक फ्रैक्शन बन गया है स्टूडेंट्स, लाइक फ्रैक्शन बन गया है, तो यहाँ पे ये दो हो गया, ये तीन हो गया, न्यूमरेटर चेक करेंगे, अब न्यूमरेटर में से जो बड़ा होगा वही भिन्न बड़ी हो जाएगी। तो इस तरह से आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि भाई दो बटे चार बड़ा है तीन बटे चार से, दैट मीन्स एक बटे दो छोटा है तीन बटे चार से। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे आपको कंपेयर करने के लिए, उनको इजीली कंपेयर कर सकते हैं। अब क्वेश्चंस करेंगे, उससे पहले आप इनको नोट डाउन करो। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन करने का समय आ गया है, तो जो हमने चीजें अभी तक की हैं उसके आधार पे आप एक क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इनको कंपेयर करना है, मतलब तुलना करनी है दोनों भिन्नों की, पांच बटे चार बटे पांच और पांच बटे छह, इन दोनों में से कौन सी भिन्न बड़ी है कौन सी छोटी है ये आपको बताना है। कैसे बताएंगे स्टूडेंट्स, सबसे पहले डिनोमिनेटर को इक्वल कर लेंगे, समान बना लेंगे, उसके बाद आप इसको सॉल्व करेंगे। तो बच्चों बताइए, जिस जिस बच्चे को आंसर पता है, देखिए मेरे को हैंड रेज दिख रहे हैं, शाबाश। जेएसी कोट कंडारा, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, शाबाश, बताइए आंसर बताइए।
इन दोनों में से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है ये आपको बताना है। क्वेश्चन मैंने बता दिया आपको। अब बोलिए बेटा। सर 4 5 चार बटे पांच बड़ा है या छोटा है यस ये? सर सर बड़ा दैट मीन्स आप ये बोलना चाहते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? सर मोहित बिष्ट मोहित। वेरी गुड। तो जीआईसी कोट कंडारा से मोहित ने आंसर दिया है। बहुत अच्छे। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें सिंपल सा फंडा है हमारे पास कि इसको हल करेंगे। तो सिंपल सा फंडा क्या है कि भाई 4/5 है, एक तो हमारे पास 4/5 है और दूसरा है 5/6। इन दोनों को कंपेयर करना है। अभी हमें कुछ नहीं पता कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो हमें दोनों के डिनोमिनेटर क्या करने हैं, समान करने हैं। तो हम क्या करते हैं, इनके मल्टीपल्स निकाल लेते हैं। भाई 4/5 को हम पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8/10 आ जाएगा। फिर इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12/15 आ जाएगा। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16/20। फिर 5 से करेंगे तो 20/25 और 6 से करेंगे तो 24/30। इसी तरह से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 5 × 10/12, फिर 15/18, फिर 4 से करेंगे तो 20/24, 5 से करेंगे तो 25/30। अब अगर आप देख सकते हैं तो यहां पे और यहां पे दोनों में मुझे डिनोमिनेटर सेम दिख रहे हैं। ये सभी इसके तुल्य भी हैं स्टूडेंट्स, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। और इसमें मुझे दोनों में डिनोमिनेटर सेम दिखा, किस किस में, 24/30 और 25/30। अब मुझे ये बता दीजिए कि डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमिनेटर है 24 और 25, तो 24 बड़ा है या 25? 24 बड़ा होता है या 25? ऑब्वियसली 25 बड़ा होता है, इसीलिए हमारे पास 25/30 बड़ा है 24/30 से। लेकिन आंसर ये नहीं होगा स्टूडेंट्स, आंसर होगा कि ये किसका तुल्य भिन्न है 24/25 से, 4/5 का, 4/5 का है और 25/30 है 5/6 का। तो ये 4/5 छोटा होगा 5/6 से। दिस इज द फाइनल आंसर, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कीजिए स्टूडेंट्स। अब और एक बात आप ध्यान रखेंगे कि हमेशा हर बार आपको ऐसे नहीं करना है, ऐसे तुल्य भिन्न नहीं निकालने हैं, आपको कुछ ऐसी तरकीब लगानी है कि आपका एक स्टेप में आंसर हो जाए। जैसे 4/5 है और 5/6 है, हमें दोनों के डिनोमिनेटर सेम करने हैं, है ना? तो हम 5 को किससे मल्टीप्लाई करें और 6 को भी किससे मल्टीप्लाई करें कि दोनों के डिनोमिनेटर सेम आ जाएं। तो आप एलसीएम निकाल के देख सकते हैं, ताकि 5 और 6 का एलसीएम 30 आएगा, तो 30 क्या होगा इसका, दोनों का डिनोमिनेटर आ जाना चाहिए। ठीक है, तो 30 डिनोमिनेटर कब आएगा स्टूडेंट्स, जब 5 को तो मैं करूं 6 से और 6 को 5 से मल्टीप्लाई करूं, तो डिनोमिनेटर आ जाएगा 26। अब अगर डिनोमिनेटर आ जाएगा 30, अगर मैं डिनोमिनेटर को 6 से कर रहा हूं तो न्यूमरेटर को भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, और डिनोमिनेटर को 5 से कर रहा हूं तो न्यूमरेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए डायरेक्ट हम ये निकाल सकते हैं 24/30 एंड 25/30, और यहां से कंपेयर करके आंसर निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स, इसको नोट डाउन करो। और अगर कोई डाउट आपको लगता है तो जल्दी से पूछ लीजिए अपना हैंड रेज करके, कोई चीज इसमें समझ में नहीं आई है तो एकदम से आप पूछ सकते हैं अभी, ताकि इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे वो इजीली आप कर पाए। नोट डाउन कीजिए इसको। किसी का भी कोई क्वेश्चन नहीं है? ठीक है, तो जो आज हमने कॉन्सेप्ट किया है उसको रिवाइज जरूर करके आए आप, ताकि अगली क्लास में आप क्वेश्चन खुद ब खुद कर पाए और आंसर अपना दे पाए। इसी के साथ आज का सेशन हम यहीं पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।